सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो वैकेंसी आने वाली है वो है SSC की वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसी जो भर्ती है वो है SSC की भर्ती हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब बात करें दोस्तों, इसमें जो SSC के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें जो पोस्ट कौन सी है, तो इसमें जो पद का नाम है वो है MTS की पोस्ट है दोस्तों, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में टोटल पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो टोटल पदों की संख्या इसमें रहेंगी 10,000 पद है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, इस वैकेंसी में कौन कैंडिडेट या किस स्टेट के कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकेंगे, तो दोस्तों इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो वो इसमें अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं कक्षा पास हो, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो साथियों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के पश्चात आपको नौकरी, तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्थान, तो नौकरी का स्थान ऑल इंडिया में कहीं भी रख हो सकता है आपका, तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। अब बात करें इसमें ऑनलाइन कब से शुरू है और ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि क्या है, तो दोस्तों 3/11/2018 से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि की बात करें तो 3/12/2018 यानी कि 3 दिसंबर 2018 से पहले कैंडिडेट को अपना फॉर्म अवश्य भरना होगा। अब बात करें कि इसमें आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसमें आपसे परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं जनरल और OBC वर्ग से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, SC/ST से किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनके लिए आवेदन शुल्क 0 रुपये है। ये आप अपना परीक्षा शुल्क ATM, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों अभ्यर्थी की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष हो, ऐसा कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म भर सकेंगे और इसके साथ इसमें ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। अब बात करें कि सिलेक्शन के पश्चात आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो दोस्तों आपको 5200 रुपये से 20,200 रुपये और 1800 रुपये ग्रेड पे के रूप में दिए जाएंगे और इसके साथ ही जो सिलेक्शन आपका होना है इस वैकेंसी में, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और इसके साथ ही आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना होगा वो पूर्ण सावधानी के साथ अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखते हुए आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आवेदन पत्र ऑनलाइन अप्लाई करते समय पूर्ण सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सबमिट बटन क्लिक होने के पश्चात आप अपने आवेदन में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब इसका ऑफिशियल नोटिस संपूर्ण विस्तृत जानकारी के साथ 3/11/2018 को इसका ऑफिशियल नोटिस और इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो हो सके तो मैं आपसे कोशिश करूंगा, आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसका मैं आपको इस प्रकार भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस प्रकार से बनना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म किस प्रकार भरना है और इसकी विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से विद प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं और लाइक भी कीजिए, जिससे आपको स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भर्तियां और उन भर्तियों से संबंधित जो भी ताज़ा जानकारी आई उनकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।